आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना स्नैपचैट अकाउंट परमानेंटली डिलीट कैसे कर सकते हैं, यानी कि आपकी स्नैपचैट की जो आईडी है आप उसे परमानेंटली डिलीट कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे स्नैपचैट ऐप में आना है और यहाँ पे मैं आपको लाइव प्रोसेस बताऊंगा सारी। और ऊपर आपको जो प्रोफाइल आइकन देख रहे हैं आप अपना, उस पर क्लिक कर देना है, या फिर रेड प्रोफाइल आइकन देखेगा आपको आपको उस पर क्लिक कर देना है सिंपल सा। इसके बाद में ऐसा इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे आपको आपका यूजर नेम दिखेगा, तो आपको अपना यूजर नेम याद कर लेना है यहाँ पे। और उसके बाद में ऊपर साइड में आपको सेटिंग के आइकॉन पे क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप क्लिक करेंगे अब यहाँ पे ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे अब आपको एक ऑप्शन मिलेगा सपोर्ट में, आई नीड हेल्प का, आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे अब यहाँ पे ऊपर आपको इस पर क्लिक करना है सर्च वाले ऑप्शन पे। अब यहाँ पे या तो आपको डिलीट माई अकाउंट पहले ही लिखा दिख जाएगा, यदि नहीं दिखता है तो आप लिख के सर्च कर लें डिलीट माई अकाउंट। हमको यहाँ पे जैसे पहले ही लिखा दिख रहा है डिलीट माई अकाउंट, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे अब आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे अब आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्नैपचैट अकाउंट पोर्टल, आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको आपका यूजर नेम डाल देना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप अपना यूजर नेम देख लें कि क्या है, वो यूजर नेम यहाँ पे डालना पड़ेगा आपको। या फिर आप यहाँ पे यूज फोन नंबर इंस्टीट पे क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप कुछ भी चीज़ डाल लें और डाल के नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। अभी यहाँ पे आपको अपने स्नैपचैट अकाउंट का पासवर्ड डाल देना है, आपको पासवर्ड डालना ही पड़ेगा। यदि आप पासवर्ड भूल गए हैं तो आप फॉरवर्ड ऑन पासवर्ड पे क्लिक करके अपना पासवर्ड फॉरवर्ड कर सकते हैं, या फिर आप कहीं से भी अपना पासवर्ड पता कर लें और पासवर्ड पता करके नेक्स्ट पे क्लिक कर दें पासवर्ड डाल के, तभी यहाँ पे डिलीट कर पाएंगे आप। और जैसे ही आप लॉगिन होंगे उसके बाद में आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको डिलीट माई अकाउंट का ऑप्शन दिखेगा, आपको डिलीट माई अकाउंट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर भी आपको आपका पासवर्ड डाल देना है। और ये यूजर नेम पहले से ले लेता है आपका, यदि यूजर नेम नहीं लेता है तो आपको यूजर नेम भी डालना पड़ेगा। और दोनों चीज़ें डाल के आप यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। और जैसे ही आप डिलीट पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपका स्नैपचैट अकाउंट परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है जो कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि आप जैसे ही डिलीट कर देंगे तो उसके 30 दिन तक आपको इसको दोबारा लॉग इन नहीं करना है। यदि आप इसको 30 दिन के अंदर ही लॉग इन कर लेंगे तो फिर ये डिलीट नहीं होगा, दोबारा एक्टिवेट हो जाएगा। मतलब आज आपने डिलीट किया, अब आपको 1 महीने का इंतजार करना है, 1 महीने तक आपको इस अकाउंट को लॉग इन नहीं करना है। यदि आप अकाउंट को लॉग इन कर लेंगे तो डिलीट नहीं होगा, और यदि आप डिलीट नहीं सॉरी आप यहाँ पे लॉग इन नहीं करेंगे तो 1 महीने बाद ये परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। तो इस टाइप से आप डिलीट कर सकते हैं स्नैपचैट अकाउंट को। आई होप इस वीडियो से आपकी कुछ हेल्प हुई होगी, कुछ हेल्प हुई हो तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।